अस्सलाम वालेकुम, आई एम साजिद फ्रॉम काजीपुर स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से एक है, और इससे पहले जो है अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। एडिशन का मतलब ऐड करना था, तो डीकम्पोजिशन का मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन है, तोड़ना है, और इसकी डेफिनेशन जो है हम अभी बुक से करेंगे। यहाँ देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना मार्क है उतनी ही डेफिनेशन करनी है, मतलब फर्स्ट टू लाइंस। दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट जाए उसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसकी एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, पहली एग्जाम्पल देखें कि वाटर का मॉलिक्यूल है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं और लिक्विड फॉर्म में हैं, इससे आपके पास बनेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे। उसके बाद नंबर टू देखें, ऑन हीटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको इन रिएक्शंस को याद करने का तरीका ये है कि पहले आपको इनके सिंबल्स याद हों, लाइक कैल्शियम के लिए Ca होता है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है। इस तरह से ये जो सिंबल और इनका पूरा नाम, ये आपको जब याद हो जाएंगे फिर आपको केमिकल इक्वेशन को याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। ऑन हीटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखें कैल्शियम के लिए Ca है और हाइड्रोक्साइड के लिए OH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब देखें CaOH ट्वाइस है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको जब आप हीट अप करेंगे तो आपको मिल जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, पहले हाइड्रोक्साइड, अब बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और उसी के साथ आपके पास वाटर बन जाएगा। देखिए नंबर ऑफ एटम राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ इक्वल है, एक कैल्शियम था एक कैल्शियम है। ऑक्सीजन लेफ्ट तरफ अगर दो हैं, O2 का मतलब है जो बाहर ब्रैकेट के बाहर टू है वो H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, टू O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो O आपके पास अगर लेफ्ट तरफ दो हैं तो राइट तरफ देखें कि एक O आपका कैल्शियम के साथ है, दूसरा O आपका वाटर के साथ है, तो मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा नंबर थ्री देखें, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है स्प्लिट अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, आप इसको जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो CaO सॉलिड फॉर्म में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस फॉर्म में होती है। उसके बाद नंबर फोर, ऑन हीटिंग पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो के यूज़ होता है और क्लोराइड के लिए ClO3 है यहाँ पे, इनटू पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम जो है वो K से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोराइड को Cl से, तो इकट्ठा अगर आपने करना है तो आप कहेंगे KCl पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन के लिए O2 इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें पोटाशियम क्लोरेट है, दो इसके पास आपके पास मॉलिक्यूल हैं, इसके 2KClO3 सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको हीट करें तो हमें मिल जाएगा 2KCl, दो आपके पास पोटाशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल होंगे, और इसी तरह से आपके पास ऑक्सीजन जो है उसके भी आपके पास 6 एटम मौजूद होंगे, 3 मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप। तो ये आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें आपने देखा कि कोई एक सब्सटेंस दो चीज़ों में टूट गई है, हर एक इक्वेशन में आप देखेंगे दो नई सब्सटेंस बन चुकी हैं। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने मुकम्मल याद। अच्छा जी, उसके बाद है एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें एनर्जी जो है वो चेंज होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी चेंजेस अकर इन केमिकल रिएक्शन, अब सेकेंड पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ मैं, इन सम केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी इज़ गिवन आउट, कुछ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, बाहर की तरफ निकलती है। एंड सम केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, कुछ रिएक्शन से एनर्जी खुद ही निकलती है, कुछ को हमें एनर्जी देना होती है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट, के ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जा रही है वो एक्सोथर्मिक, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज हमने जो है सिर्फ ये
पीछे जो हमने पढ़ा है ये वाला आपको जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, और इसको जो है वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लें कि पता हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपने याद करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूछा जा सकता है एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ फिर इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। द रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट की सूरत में एनर्जी जो है वो निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सो मीन गो आउट आर एग्जिट एंड थर्म्स मीन हीट। व्हेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर तो दो चीज़ें होती हैं, हीट इज़ रिलीज्ड, एनर्जी खारिज होती है, हरारत खारिज होती है, एंड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द केमिकल टू द सराउंडिंग, तो केमिकल से निकल के वो सराउंडिंग में जिस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके सराउंडिंग में चली जाएगी। नंबर टू द बीकर आर अ फ्लास्क, बीकर कहते हैं वो जिसके अंदर ग्लास का शीशे का एक बर्तन है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। फ्लास्क भी इसी तरह से जो है वो एक शेप होती है, ये लेबॉर्ट्री जो है वो ग्लास वेयर्स हैं जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इन विच रिएक्शन इज़ अकरिंग फेज होल्ड, अगर आप किसी बीकर में जो कि ग्लास का बना हुआ है या किसी फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका आपको कैसे पता चलेगा, वो जो फ्लास्क या बीकर है अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो आपको गर्म फील होगा। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल हैं। नंबर वन एग्जांपल से मैं देख पढ़ रहा हूँ, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, मीथेन नेचुरल गैस भी जिसको कहते हैं, आर वुड लकड़ी, ये तीनों चीज़ें जब जलती हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, हरारत भी मिलती है हमें आग से और जो है वो रोशनी भी मिलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज एनर्जी हीट एंड लाइट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। पहली एग्जांपल देखें, कार्बन जो है वो कोल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, C+O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस हीट बनेगी, वही हीट हम इस्तेमाल करते हैं। CH4 मीथेन सुई गैस की बात हो रही है, नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, प्लस O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब रिएक्शन हुआ तो देखो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा साथ में वाटर बनेगा प्लस आपके पास हीट, तीनों में हीट निकल रही है यानी हीट बन रही है। और तीसरा आपके पास देखें N2+3H2, इससे आपके पास एरो अमोनिया बन जाएगा, NH3 जिसका फार्मूला है वो 2 जो लिखा हुआ वो नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, प्लस हीट। अगर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा हो तो तीनों में कोई ना कोई आपके पास प्रोडक्ट तो बना है, उस प्रोडक्ट के साथ हीट भी बनी है, हीट रिलीज़ हुई है, तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने पहली चार लाइनें और ये जो इसकी एग्जांपल्स 1, 2 और 3 है इसको आपने अच्छी तरह से याद। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में जो है वो इसका क्या रोल है वो देखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ, रेस्पायरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पायरेशन क्या होता है कि रेस्पायरेशन से मुराद ये है ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी ब्रेकडाउन होगी जिसको एरोबिक रेस्पायरेशन भी कहा जाता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जिसको कहते हैं ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट वो बनती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल वुड कोल ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ, पेट्रोल बर्न कर लें, वुड बर्न कर दें, कोयला बर्न कर लें, सबसे एनर्जी भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगी हमें। तीसरा पॉइंट देखें, देयर आर सर्टेन केमिकल दैट आर यूज टू मेक हॉट पैक्स बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व्स इन वाटर दे इवॉल्व इट, कुछ हॉट पैक्स जो है कुछ केमिकल जो है वो हॉट पैक्स की शक्ल में मौजूद होते हैं और जब आप इनको पानी के अंदर जो है वो ऐड डालते हैं डिसॉल्व करते हैं तो इनसे जो है वो हीट निकल रही होती है। अच्छा, उसके साथ एक MCQ है साथ में देखें, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कोई फंक्शन हो या न्यू ईयर के मौके पर या इसके अलावा जो है वो किसी की शादी है या इस तरह से कोई इलेक्शन के दिन है जब लोग जीत जाते हैं तो वो आतिशबाजी करते हैं, फायरवर्क करते हैं जिससे आसमान में आपको रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही होती है, वो भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही नतीजा है। लेटिंग ऑफ फायरवर्क शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है फायरवर्क, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी आर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, रोशनी भी नज़र आती है और हीट भी होती है इससे, इसीलिए इससे दूर रहा जाता है कि कहीं जो है वो खुद को ना नुकसान पहुंच जाए जल जाए। तो ये सारी एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू सो मच।